आधा ऊपर नहीं था, मुझे लगा पूरा हिल पे जाके, और सोनू ने बोला भैया पूरा हिल पे है। सोनू पूरा हिल पे नहीं, मीठा पानी एकदम अच्छा पानी है, काफी एकदम जैसे पहाड़ों से आता है ना वैसा पानी ठंडा। Hey guys, what's up and welcome to another vlog। चलते हैं बाहर, अभी निकलते हैं थार से थोड़ा, और आज है सोनू का बर्थडे तो उसके लिए हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाते हैं, मंदिर से आने के बाद देखते हैं क्या प्लान है। फिलहाल शाम को करेंगे सेलिब्रेट, कल रात को भी क्या था छोटा सा, और पापा मम्मी है नहीं, वो लोग आ जाएंगे कलकत्ता में, जैसे कि पहले मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, और वो आ जाने वाले, वैसे कल आने वाले थे लेकिन तब तक उसको जीने को वहाँ पर रूम नहीं मिला था, तो इस वजह से वो लोग आ जा रहे हैं, और अभी शायद दोपहर तक पहुँच जाएंगे। शाम को करते हैं मस्त बर्थडे सेलिब्रेट, फिलहाल चलते हैं मंदिर। ब्रेकफास्ट नहीं किए, अब करके जा सकते हैं, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो इससे अच्छा खाली पेट ही चले, तो निकलते हैं मंदिर की तरफ। बर्थडे बॉय ड्राइव करेगा, बर्थडे बॉय चलें। यार बाल में तेल निकल गया, पूरे बाल बिखरे से हो रहे हैं, पूरे बाल बिखरे। नानी अगर जाते तो अच्छा होता। हाँ, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और सारे सब्सक्राइबर्स की साइड से भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सब्सक्राइबर्स। वैसे आप कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं सिद्ध मठ, जो मैंने पहले आपको दिखाया भी है एक ब्लॉग में, वहीं पर हम जा रहे हैं वहाँ पे मंदिर में। सोनू और मैं दोनों करेंगे दर्शन, बर्थडे वाले दिन यूजुअली वो मंदिर जाते हैं। अभी एक और मंदिर से आया था, वो साईनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, वहाँ से होके आया था, अभी जा रहा है दूसरे मंदिर पे, वहीं पे सिद्ध मठ पे जो एकदम जंगल के बीचों बीच मंदिर है, वहाँ चलते हैं। पहुंच गए हम लोग मंदिर, और वो सामने पीछे है मंदिर, लग रही है यार थार खड़ी हुई थी। अब मंदिर से होकर तो हम लोग आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जो कि सोनू बोल रहा है कि सामने एक रोड जा रही है ऊपर, मंदिर के ऊपर एक शिव मंदिर है, एकदम जंगल वाला मस्त, एकदम जंगल वाला रास्ता है मस्त, दोनों तरफ पेड़ वेड़, चलते हैं अभी देख के आते हैं। तो ये सामने वो रास्ता है जो मंदिर के लिए जा रहा है ऊपर पहाड़ पे। यहाँ पे ना मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है, पीछे आप बाहर देखते हैं, बाहर की तरफ मौसम एकदम ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, और मौसम बहुत ही सुहाना और मस्त रहता है, मतलब मई का महीना चल रहा है, और 28 डिग्री रात को पहुँच जाता है, एसी की जरूरत है नहीं, फिर भी चला लेते हैं आधे घंटे के लिए थोड़ा रूम ठंडा करने के लिए। हम पहुँच गए मंदिर सामने, जीरा निकलते हैं बाहर। क्या लिखा सोनू ये उड़िया में? ओम श्री श्री सिद्ध धवलेश्वर मंदिर। ओम श्री श्री सिद्ध धवलेश्वर मंदिर। ये मंदिर, अरे मंदिर के पीछे पहाड़ के ऊपर से आता है पानी, पहाड़ से ऊपर से आ रहा है ना। हाँ। बड़ा ही पूरा फ्रेश बड़ा ही गजब है यार। मीठा पानी एकदम अच्छा पानी है, काफी एकदम जैसे पहाड़ों से आता है ना वैसा पानी ठंडा। मुझे लगा पता नहीं क्या गिरा यहाँ पे। ये रास्ता जो जा रहा है ऊपर जा रहा है, एकदम पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए, ट्रैकिंग टाइप का रास्ता, ऊपर शायद कुछ लोग हैं भी उसमें दिख नहीं रहे। सही है यार, बहुत जगह बीच में, एकदम घर के पास ट्रैकिंग भी है तेरे, बताया ना तूने। चलते हैं यहाँ से, दर्शन तो हो गए, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है बीच में शिवलिंग भी है, और उसके पीछे ऊपर ट्रैक भी है छोटा सा ऊपर जाने के लिए, और वो जो पानी आ रहा था वहाँ से पहाड़ से पूरा एकदम शुद्ध ठंडा पानी, एकदम जैसे पहाड़ों पे होता है ना, उत्तराखंड हम लोग जाते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल साइड सेम वैसे जैसे पहाड़ों से पानी आता है, मस्त मजा आ गया। आधा ऊपर नहीं था, मुझे लगा पूरा हिल पे जाके, और सोनू ने बोला भैया पूरा हिल पे है। सोनू तूने मुझे गुमराह किया भाई, फिर क्या बोलूं कि उंचाई हिल पे ऊपर है। अब सही बोला, पूरा हिल टॉप पे है, लेकिन हाँ ये मंदिर मुझे मतलब उसने ऐसा बोला बट पर मैंने कुछ ज्यादा इमेजिन कर लिया, मुझे लगा एकदम हिल पे जा रहे, मैंने कहा भाई चले, हमें खाना वाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, कह रहा चलते हुए ये रहा सामने, यार हिल पे गाड़ी लेके जा रहा है तू, एकदम थार से चली जाएगी, बट फिर भी यार अभी नहीं चलते, कह रहा नहीं नहीं ये रहा पास में, जब मैं गया तो हाँ जहाँ से हिल स्टार्ट हो रहा है ना, एक किलोमीटर भी नहीं होगा, हाफ किलोमीटर होगा ऐसे हार्डली,
जहाँ से हिल स्टार्ट हो रहा है ना पूरा मतलब है हल्का सा ऊंचाई पे ही वो, तो वहीं पे ही है सामने मंदिर है और उसके बाद साइड से रास्ता जा रहा है ऊपर जिसको जाना है ट्रैक करके ऊपर तक मंदिर मतलब हिल्स के ऊपर तक। ऊपर मंदिर है क्या कोई उसके ऊपर भी और मंदिर बट ऊपर ट्रैक के लिए काफी अच्छा है रास्ता अच्छा बना हुआ है। सर्दियों में आएंगे तो ट्रैक करेंगे और सोने तो ट्रैक मास्टर है तुंगनाथ वाले ट्रैक में सबसे आगे पहुंच गया था। मैं यहाँ पर एक समर कैंप हुआ था किंजर में। समर कैंप अच्छा तो गया था। हाँ समर कैंप में ट्रैक करने गया था। अच्छा ऊपर कितना ऊपर गया था कितना ऊपर तक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हाँ 2 किलोमीटर होगा 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर ट्रैक कर गया था। सही है। यहाँ पर गर्मी क्या लगता है कहाँ पर? गर्मी नहीं है यहाँ पे गर्मी नहीं है। कल रात जैसे मैंने बताया भाई 8-1 मिनट ये देखो व्यू ऐसा लग रहा है सच में पहाड़ों पे घूमने आ गए हैं। बहुत ही गजब नजारे ही नजारे मतलब लगता है कि हाँ जिधर भी देखो एकदम पूरा ग्रीनरी दिखता है लगता है सारे कैप्चर करते चलो। रोड इतनी प्यारी प्यारी बनी हुई है ना ये पूरा क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है कि रोड आपको ये रोड दिखने लगा है उत्तराखंड में। हाँ ये रोड ऐसी और बगल में ये और साइड में माउंटेन्स गजब यार। दिक्कत यार है बारिश इतनी गजब होती है ना मतलब जबरदस्त बारिश होती है बहुत ज्यादा। बारिश वाली सीजन में आप घर से बाहर निकल नहीं सकते हो मतलब एक बारिश स्टार्ट हुई ना बारिश की सीजन में इसको बोलते हैं रेनी सीजन या जो प्रॉपर तरीके से आता है। यहाँ पर तो हर सीजन में बारिश होता है। हाँ। मतलब काल वैसा मतलब समर में जो बारिश होता है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो ईस्ट रीजन में शायद ईस्टर्न रीजन में हम लोग सब बोलते काल वैसा की यहाँ पर हमेशा बारिश होता है पर इस साल बारिश नहीं हुआ बिल्कुल। जब ना अभी से बारिश स्टार्ट हो जाती है अभी से क्या 10-15 दिन एक महीने से पहले। सामने बारिश जैसा मौसम हो गया बारिश होगी क्या क्या लगता है होगी आफ्टरनून दोपहर को 3-4 बजे पहुंच गए घर 11:30 करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं किया था बस तो हो गया और मौसम बड़ा सुहाना हो गया ये होगी बारिश स्टार्ट। इतनी जल्दी अचानक से वेदर बदलता है ना। थोड़ा सा प्लान कर रहे थे बाहर घूमने का अब बारिश आ गई देखते हैं कब रुकती है। 12 बज रहे हैं अभी दोपहर को लगता है लंबी चलने वाली है बारिश देख के इसको लग रहा है अभी हल्की हल्की स्टार्ट हुई है पर ये कि मौसम ठंडा हो गया थोड़ी सी देर में इतना ज़्यादा पानी भर गया भाई अभी 5-10 मिनट पहले ही बारिश स्टार्ट हुई थी और नीचे पूरा पानी पानी हो गया यहाँ पे बट हवा अच्छी चल रही है। और अब मम्मी कोलकाता से आ गए हैं वो लोग गाड़ी कहाँ है गाड़ी बाहर खड़ी है। बारिश रुक गई है हल्के से हो गए ऐसी ठंडी हवा आ रही है ना हल्की हल्की बारिश की बूंदें और पूरी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से गजब लग रहा है मतलब लग नहीं रहा किसी भी एंगल से गर्मियाँ चल रही हैं। जस्ट 2 मिनट पहले मैंने दिखाया था मौसम कितना अच्छा हो रहा है बारिश जैसा हो रहा है फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो मौसम का कुछ पता नहीं है बारिश सुबह से बारिश रुक रही है हो रही है रुक रही है हो रही है फिर से स्टार्ट हो गई बारिश मतलब इतनी मोटी मोटी बूंदें आ रही है। क्या कर रहे हो यहाँ पर? मेरी फोन से क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? यार ये सीधा होता है ना तुम्हें नहीं पता? हे भगवान बस प्लीज इधर से इसको खींचो यार इतना स्मूथ नहीं था अगर बंद कैसे हो गया। हां सही बंद हो जाएगा। एक चटनी देख लो। हां कंफर्टेबल है ना सीट? बस ऐश करो मौज करो। मौज तो तू ले रही है भाई। मौज मैं नहीं ले रही हूं। अपने घर पे भी नहीं है तो अपने घर पे तो है कम से कम तो अपने तुम तो यहाँ पर पूरा दमाद वाली पूरे ऐश वाली फीलिंग चल रही है तुम्हारी यहाँ पर। मायके में हम ससुराल में अपने मायके में कौन सा तुम यहाँ पर ससुराल में काम करते हो पता है कितनी टेंशन है। अच्छा कुछ भी मेरी भी 96 बारिश हो रही है नीचे पानी तो नहीं है। अब हम निकल गए हैं बाहर सोनू का बर्थडे था बर्थडे है तो उसके लिए केक लेने के लिए यार गीला ना हो जाऊँ मैं उसके लिए केक लेने के लिए शाम को 7:30 बज रहे हैं अभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका। कल हमने घर पे रात को ही काट दिया था 12:30 बजे एक केक अभी घर वाले आ गए हैं तो उनके साथ में भी एक केक काट लेते हैं चलते हैं बाहर बोल इसको। अभी खाना वाना सब हो चुका है ज़्यादा लेट हो गया बंद 10:40 10:50 हो रहा है 10:50 अब हम काटेंगे केक सब लोग आ गए घर पर। ये हमारा सेट वो उधर बर्थडे का हैप्पी बर्थडे और एक केक
तो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ पूरा, अब चलते हैं सोने के लिए। कितना बच गया, 11:21 हो रहा है और सोने तेरे बर्थडे के 40 मिनट बचे हैं। तो क्या करते हैं ब्लॉग को, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।